मेरे साथ एक धोखा हुआ था, मैं आप लोगों को बताऊं। ये जो पीछे जो सारी बिल्डिंग्स दिख रही है, मतलब पूरा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कल रात को क्या हुआ, मैंने व्लॉग एडिट किया, फ़ोन रिचार्ज किया और अपलोड को लगा कि मैं सो गया। सुबह उठा तो पता चला कि वो रिचार्ज अनसक्सेसफुल हुआ था, तो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो शायद कल का व्लॉग शायद लेट हो सकता था। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बाहर ढूंढ लेता हूँ रिचार्ज वाला, टाइम पे व्लॉग आ जाएगा। तो आज अपना नसीब बहुत सही है, आज मौसम भी सही है और आज अपने साथ जॉगिंग करने, मतलब मैं उनके साथ हूँ, शुभम भाई, हम दोनों आज साथ में जॉगिंग करने पार्क जा रहे हैं। तो अभी पार्क से निकला, पीछे जूस वाले दुकान पे गया, जूस का ऑर्डर दे दिया, फिर पता चला आपने पास तो इंटरनेट नहीं है, पेमेंट कैसे करेंगे। पहले तो ये शानदार पार्क देखो, उसके बाद में ये फैला हुआ कचरा देखो, पूरे पार्क का मजा ये फैला हुआ कचरा खराब कर दे रहा है। दिस इज नॉट डन गाइज, बी केयरफुल, दिस इज आवर प्रॉपर्टी। बैक फ्रॉम द पार्क गाइज, अभी बहुत बड़ा पोपट होते होते बच गया, अभी जल्दी से तैयार होते और अभी लेक्चर लेने। तो मैं अभी हो गया हूँ रेडी और तुम भी एकदम मस्त हो गया है। गर्मी कम हो गई है और बादल आ गए, ऐसा मौसम अगर दिन भर रहे तो क्या बात हो जाएगी। तो अभी मेरा लेक्चर है सोसाइटी का और सोशियोलॉजी में मैं पढ़ूंगा थ्योरीज इन मॉडर्न सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो भाई खाना हो गया अपना, लेकिन अभी जो खतरनाक वाली नींद आ रही है ना, क्या बताऊं। Slept for 1 hour and temperature outside is 43 degree Celsius. मतलब टेम्परेचर है ना, हालत है ना, खराब से ऊपर है अभी, बस अभी बारिश का इंतजार है। तो अभी सनसेट का टाइम है और मैं आ गया हूँ छत पे। पिछले साल जब कूलर नहीं मिला था तो रोज़ शाम को मैं यहीं पे आता था और रात को भी यहीं पे छत पे ही सो जाता था, लेकिन उस वक्त मेरे साथ एक धोखा हुआ था, मैं आप लोगों को बताऊं। ये जो पीछे जो सारी बिल्डिंग्स दिख रही है, मतलब पूरा पूरा राउंड, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग गोल्ड का काम करते। मतलब अगर आपने सुना होगा कि पूरे भारत से यहाँ पर लोग आते हैं, करोल बाग रेगरपुरा एरिया है, और यहाँ पे सीखते हैं फिर अपने अपने गांव में जाके दुकान डालते हैं। तो पूरे हर बिल्डिंग में गोल्ड का काम चलता है और मेरे पीछे एक बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ ठीक से। तो ये सामने वाली जो बिल्डिंग है, तो गर्मी में यहाँ पे गद्दा डाल के सो जाता था, और ये जो सामने वाली बिल्डिंग है वहाँ का लाइट में जब मेरी नींद खुलती थी रात के 2:30 बजे तो हमेशा चालू रहती थी, और वहाँ पे ना दो बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे। मतलब मुझे ऐसे दिखता था ऊपर से कि वो पढ़ाई कर रहे, और फिर मैं उठता था यार बच्चे कितने पढ़ाई कर रहे एरिया में, और मैं
तुरंत नीचे जाके लेक्चर शुरू कर देता था, मतलब वो अच्छा ही था। तो उसके बाद क्या, एक दिन मैंने ठीक से देखा तो जब सब लोग मेरी बिल्डिंग में वापस आ गए तो मैं उनको बोला कि वो दो बच्चे हमेशा पढ़ते रहते। फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली वहाँ पे ना रात को गोल्ड का काम करते, मतलब वो ऑर्नामेंट्स बनाते, दागिने वगैरह सब। तो पहले तो खुद पे बहुत हंसा मैं, लेकिन चलो कोई नहीं, उसकी वजह से अपना 3 बजे का लेक्चर तो हुआ। तो सनसेट देखने के बाद मैं नीचे तो आ गया, लेकिन एक अच्छी बात हुई और एक बुरी बात हुई। बुरी बात ये हुई कि सीढ़ी से जब मैं नीचे उतर रहा था तो लकड़ी का एक जो कोना, जिसको मराठी में मतलब क्या बोलते हैं, शिड़िक बोलते हैं और हिंदी का मुझे पता नहीं, तो हाथ में जोर से चुभा और वो बहुत दर्द कर रहा था। तो फिर वो सब सुई लेके वो सब निकाला मैंने, फिर अभी मतलब राहत है। और एक गुड न्यूज़ हुई, आज मुझे पता चला मेरा जो कज़िन है मुन्ना भाई, जिसकी शादी के लिए मैं घर गया था, तो उसको मल्टीनेशनल कंपनी में मुंबई में जॉब मिला है। तो उससे थोड़ी देर बात की, घर वालों से थोड़ी देर बात की, सब खुश है। मतलब छोटे छोटे से साथ में खेलते थे, अभी जॉब करने लग गए, अभी वो मुंबई में, मैं दिल्ली में, छोटा भाई पुणे में, सब अलग अलग जगह पे बिखर गए। लेकिन दैट इज़ लाइफ, और हम साथ साथ चलेंगे, हम साथ साथ रहेंगे। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहाँ पे करता हूँ एंड। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।